Good morning students, welcome back. We are reading the chapter acid, base and salts. Now in this video session we are going to see about the compounds, some basic compounds. So first compound is our sodium hydroxide, that is NaOH. So in this video session we will see how will we prepare sodium hydroxides, what are the properties of sodium hydroxides and what are the uses of sodium hydroxide. One by one we will go through the points. Now pehla topic hum padhte hain sodium hydroxide, it is also known as caustic soda. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन मेरा जनरली NaCl सोडियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन है. किसका सॉल्यूशन है? सोडियम क्लोराइड का. सो NaCl प्लस H2O इट विल प्रोड्यूस NaOH, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड. ओके, नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड is prepared by the electrolysis process when sodium brine solution is taken and the electricity is passed through it, then sodium hydroxide is formed. So ye ho gaya mera methods of preparation of sodium hydroxide. So in electrolysis hota kya hai? Yahan electricity likh dete hain hum log. So how this reaction occurs? Generally hota kya hai, jab hum brine solution ko aqueous medium mein yani pani ke sath lete hain और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी ओवर द ब्राइन सॉल्यूशन देन इट डीकंपोजेस. डीकंपोजेस मतलब स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स और एक आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है और तीसरा क्लोरीन गैस भी लिबरेट हो जाता है. अगर आपको लार्ज अमाउंट में, इफ यू हैव टू प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, देन वी यूज अ प्रोसेस नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH ऑन लार्ज स्केल. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, देन वी यूज क्लोर अल्कली प्रोसेस for the preparation of sodium hydroxide on a large scale. So this was the methods of preparation of sodium hydroxides. Now we will see what are the properties of sodium hydroxides. Sodium hydroxide ka property, pehla property kya hota hai, it is a solid white crystal. It is a solid white crystal. Second point, its melting point is 591 Kelvin. Third point, it is stable towards heat. It reacts with water to form number of hydrates. It reacts with water to produce heat. It
रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हीट। हीट का मतलब यानी कि ये रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो दीज आर द पॉइंट्स। पहला प्रॉपर्टीज क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ सॉलिड व्हाइट क्रिस्टल। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टल होता है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होता है? 591 केल्विन। सेकंड, इट इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट। इसका मतलब जब इसको हीट कीजिएगा आप तो भी ये स्टेबल होता है और डिफेक्टिव कंपाउंड्स नहीं होता है। लेकिन ये हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है फॉर द वेजिटेबल टिश्यूज। वेजिटेबल टिश्यूज के लिए हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज था? इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नंबर ऑफ हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का मतलब हुआ NaOH.H2O। इट कैन ऑल्सो फॉर्म NaOH.2H2O एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन ये करता है, इस वजह से इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नंबर ऑफ हाइड्रेट्स। द लास्ट पॉइंट इज दैट इट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हीट। इसीलिए कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाउ विल यू से दैट? देन हाउ विल यू से दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द रिएक्शन विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं उसका सॉल्यूशन, सो यू विल सी दैट द फ्लास्क और अ बीकर इन विच यू हैव टेकन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट बिकम्स लिटिल बिट वार्म, वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट मीन्स जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाते हैं, इट लिबरेटेड्स हीट, उससे हीट निकलता है। दूसरा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन भी है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी से मिलता है, इट प्रोड्यूसेस सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे कॉमन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, इट इज यूज इन मेकिंग सोप। सोप बनाने के काम में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड, यूज एज अ रिफाइनिंग एजेंट। थर्ड क्या हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें यूज कर सकते हैं? यूज एज प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, यूज एज लेबोरेटरी रिएजेंट। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का और क्या यूज है? इन रबर के रिक्लेशन में भी मदद करता है। एज उसका फिर आपको डाई के तरह यूज किया था फॉर मर्चनाइजिंग द क्लोथ्स। तो देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो तीन यूजेस हम याद रखेंगे, अगर एग्जाम में हमसे पूछता है तो आंसर देंगे। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? प्रिपरेशन देखा, दैट वॉज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस का मदद लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन किया। फिर लार्ज स्केल में बनाना है तो क्लोर अल्कली प्रोसेस यूज करना है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर वहाँ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस हुआ, एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन उसके बारे में डिस्कस हुआ। फिर अल्कली सॉल्यूशन बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके बारे में डिस्कस हुआ। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा थी? यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूजेज है इसको हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जाएंगे दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने। नाउ व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज नोन एज अ ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, प्रॉपर्टीज क्या है और उसका यूजेस क्या है, सब चीज़ के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू। गो थ्रू द वीडियो स्टूडेंट्स।